सरहदी बाड़मेर जिले में बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा के बाद अब बाड़मेर जिला मुख्यालय पर साइबर थाना खोल दिया गया है इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक पुलिस निरीक्षक समेत पंद्रह पुलिस जवानों को कमान सौंपी गई हैं इस साइबर थाने में पुलिस के एक्सपर्ट और ट्रेनिंगशुदा जवानों को लगाया गया है जो एक्सपर्ट भी हैं और काफ़ी समय से साइबर सेल में काम भी कर रहे हैं वर्तमान में थाने की शुरुआत पुलिस विभाग की एक पुरानी बिल्डिंग में किया जा रहा है अगले साल जमीन का आवंटन कर थाने के लिए भवन का निर्माण करवाया जाएगा बाड़ में जिले में ऑनलाइन ठगी के मामले हर माह औसत से तीस मामले दर्ज होते हैं लेकिन यहाँ अलग से साइबर थाना नहीं होने की स्थिति में पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है स्टाफ की कमी व एक्सपर्ट नहीं होने पर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए लोगों को निराश ही लौटना पड़ रहा था जब गत वर्ष पिछले इक्कीस में जब ज्वाइन करा था तब एक माह में एक शिकायत आती थी अब प्रत्येक सप्ताह दो शिकायत आती है अर्थात बारह शिकायतें जो थी वो बढ़ के सौ से ऊपर क्रॉस हो गई यानी कि दस गुना बढ़ गया होगा तो ये सिर्फ बाड़मेर में नहीं हुआ पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में हुआ होगा उस साइबर क्राइम से कमर कसने के लिए पुलिस मुख्यालय के जो हमें निर्देश मिले हैं और जो कार्रवाई चल रही है उसमें एक तो साइबर थाने का गठन हुआ है जहाँ पे डीवाईएसपी वाई एस रैंक अधिकारी एसएचओ रहेंगे पंद्रह लोगों को वहाँ पे प्रस्थापित किया गया है और राजस्थान पुलिस ने तीन स्थानों को चिन्हित किया है उन लोगों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए साइबर क्राइम थाने में प्रस्थापित लोग हैं उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा क्योंकि अभी मैं मानता हूँ वर्तमान परिस्थिति में इस समय आज की तारीख में साइबर क्राइम इस गति से बढ़ा है और साइबर क्राइम करने वाले इतने शातिर हैं कि हमारी पुलिस इस समय उनको मुकाबला करने के लिए नाकाफी है तो साइबर क्राइम थाने के गठन के बाद इनके प्रशिक्षण के बाद में इन प्रशिक्षित लोगों से प्रत्येक थाने पे भी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि थान हर एक थाने पे उस पर अंकुश लगाया जा सके उनकी गतिविधियों पे